सवाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे जो है YouTube का इम्प्रेशन बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप अपने वीडियो का इम्प्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। यहां पर आपको बहुत लोग बताते हैं कि इम्प्रेशन बढ़ाओ, व्यूज बढ़ाओ, लेकिन मैं यहाँ पर एग्जैक्ट बताऊंगा कि आपको इम्प्रेशन कैसे बढ़ाना है, इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी और किन किन बातों का ध्यान देना होता है जिससे कि आपका वीडियो पर इम्प्रेशन आता है। सो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे जो है प्रॉपर वे में एक अच्छे से आप बहुत जल्दी जो है इंप्रेशन बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको बताया जाता है कि इंप्रेशन बढ़ाओ, व्यूज बढ़ाओ, तो वो सही बात है जहां तक, लेकिन उससे भी उसमें भी बहुत सारी बातों का आपको ध्यान देना होता है। सो आज की इस वीडियो में मैं वही सब बात करने वाला हूँ। सो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि आपको इम्प्रेशन कैसे बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो आपको इम्प्रेशन बढ़ाने से पहले आपको दो चीजों को और भी समझना होगा। पहला क्लिक थ्रू रेट और दूसरा ऑडियंस रिटेंशन, ये दो चीज, और तीसरा है इम्प्रेशन। ये तीनों चीज जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करूंगा। आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो मान लीजिए कि आपने जो है YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया है और वो उसका जो है एक इम्प्रेशन आया है मेरे पास, और मैंने जो है आपके वीडियो पर क्लिक किया, तो आपके वीडियो को मेरे पास YouTube ने इम्प्रेशन के थ्रू भेजा और मैंने जो है क्लिक किया है इम्प्रेशन के थ्रू, तो वहाँ पर जो है आपके वीडियो पर क्लिक थ्रू रेट दिखाएगा। यानी कि मैंने आपके वीडियो पर इम्प्रेशन के थ्रू क्लिक किया है तो वहाँ पर क्लिक थ्रू रेट दिखाएगा, लेकिन आपके वीडियो पर मैंने क्लिक किया है और कितना देर आपके वीडियो वॉच किया है वो हो जाता है क्लिक थ्रू रेट। सो वहाँ पर आपको क्लिक थ्रू रेट आ जाता है, और यहाँ पर आपके वीडियो को मैंने कितना देर देखा है वो होता है ऑडियंस रिटेंशन। ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं मैं अभी आपको समझा रहा हूं। तो अगर आपके वीडियो पर कोई क्लिक करता है और आपके वीडियो को थोड़ा सा देखकर और छोड़ देता है तो वहां पर जो है आपकी ऑडियंस रिटेंशन खराब हो जाती है, जिससे होता क्या है कि आपकी वीडियो का इम्प्रेशन रुक जाता है, आपकी वीडियो पे इम्प्रेशन नहीं आता है। तो आपको इम्प्रेशन अपने वीडियो में बढ़ाना है तो आपको अपनी वीडियो की क्वालिटी भी ध्यान देनी होगी। वो लोग कहते हैं कि आपको डेली वीडियो अपलोड करने से जो है आपकी इम्प्रेशन बढ़ती है, तो ये बात सही है कि अगर आपको इम्प्रेशन बढ़ाना है तो आपको जो है डेली वीडियो अपलोड करना होगा, लेकिन इम्प्रेशन बढ़ाने के साथ साथ जो है आपको और भी ज़्यादा इम्प्रेशन बढ़ाना है तो वहाँ पर जो है आपकी वीडियो को भी ध्यान देना होगा कि लोग जो है आपकी वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं वो आपकी वीडियो को जो है अच्छे से देखें, आपकी ऑडियंस रिटेंशन अच्छे से आए, ताकि जो है आपकी इंप्रेशन और बढ़े और लोगों के पास जाए, जिससे कि आपको ज्यादा व्यूज आती है। तो ये जो बोलते हैं कि इंप्रेशन बढ़ाओ, व्यूज बढ़ाओ, तो केवल इंप्रेशन आपकी वीडियो अपलोड करने से तो बढ़ जाएगा, लेकिन वहां पर जो है क्लिक थ्रू रेट कम रहता है तो वहां पर आपके व्यूज कम आने लगते हैं। सो आप यहां पर इस कोशिश कीजिए कि जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो में जो है कॉन्टेंट अच्छा होना चाहिए, जिससे कि यूट्यूब एक लोगों के पास इंप्रेशन दे रहा है तो वो उस पर क्लिक करे और आपकी वीडियो को कम से कम जो है 2 मिनट से 3 मिनट से अधिक देखे, ताकि जो है आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा रहे और आपके इंप्रेशन और लोगों के पास जाए, ताकि आप जो है आपकी वीडियो वायरल हो सके। सो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि इंप्रेशन बढ़ाने के लिए दो चीज जरूरी होती है। पहला, आपको डेली वीडियो अपलोड करना होगा यूट्यूब पर, और दूसरा चीज जो है आपको अपनी वीडियो की क्वालिटी में ध्यान देना होगी, यानी कि आपकी कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कंटेंट अच्छा नहीं रहेगा तो अगर आपकी वीडियो पर मैंने क्लिक किया, वीडियो पर नहीं देखा, अच्छे से आपको वीडियो नहीं देखा, सो आपकी वीडियो का इंप्रेशन रुक जाएगी, और वहीं से रुक जाएगी तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। यही कारण होती है कि आप वीडियो जो है वायरल नहीं होता है, वीडियो की कंटेंट अच्छा न होने के कारण। सो आप हमेशा जो है कंटेंट पर ध्यान दीजिए, आपका इंप्रेशन भी बढ़ेगा, ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़ेगा, और क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ेगा। आप इन तीनों चीजों पर ध्यान देते हैं तो आपकी वीडियो जो है 100% वायरल हो जाएगी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यही समझाने वाला था कि इंप्रेशन आपको कैसे बढ़ाना है। इंप्रेशन बढ़ाने के लिए आपको कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, आपको डेली अपलोड करना है और आपको अपने कॉन्टेंट पर ध्यान देना है। कॉन्टेंट पर क्यों ध्यान देना है मैंने आपको अभी वीडियो में समझाया है। आपको इन सारी बात को ध्यान देकर जो है आपको यूट्यूब पर जो है वीडियो बनाना है, तभी जाके आपके वीडियो जो है वायरल होगा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं तक रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।